नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे जो UPPCL के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। इसके साथ ही हम पूरे 200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो बिना देर किए चलते हैं टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है, वह परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वह क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कंप्यूटर। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस भी करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है, प्रिंटर के रूप में पेज जितना भी आप इंफॉर्मेशन प्रिंट करते हैं, और परिणामों को भविष्य के लिए प्रयोग के लिए स्टोर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका ऑप्शन होगा डी, यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों अनुरूप विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। इसमें कोई भाव वेग नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ दिए गए निशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुँचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, तो कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं 6। इसका ऑप्शन होगा ए। पहला भाग CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इत्यादि। तीसरा देखते हैं आउटपुट, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर इत्यादि। चौथा है आपका मेमोरी यूनिट जैसे रैम। पांचवा सेकेंडरी स्टोरेज जैसे आप चिप, हार्ड डिस्क जो भी यूज करते हैं। छठा आपका है कम्युनिकेशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन होगा डी, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होता है तथा CPU कंप्यूटर के मुख्य भाग होता है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी दी गई सूचनाओं को। डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है, वे अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखा जा सकता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इसका ऑप्शन होगा बी, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। डाटा एक कच्चा तथ्य या आंकड़ा यानी रॉ फैक्ट्स है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। डाटा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, डाटा आपका अल्फाबेटिकल डाटा होता है A to Z, न्यूमेरिकल डाटा होता है 0 to 9, और तीसरा आपका होता है सिंबॉलिक डाटा जैसे प्लस, माइनस, इनटू, ये जो भी होते हैं सिंबॉलिक डाटा। अतः इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का रूप ही लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि डिजिटल डाटा। कंप्यूटर में सूचना 0 और 1 की स्ट्रिंग में स्टोर होती है, जिसे डिजिटल डाटा कहते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को 0 तथा 1 निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 दर्शाया जाता है। इस तरह 0 और 1 दो चिन्ह हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों में बाइनरी स्टेट को दर्शाते हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहा जाता है। कंप्यूटर मेन मेमोरी को वर्ड्स या बाइट्स में विभाजित करने की सुविधा देता है। 1 बाइट में सामान्यतः 8 बिट्स की सूचना होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोसेस डाटा को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि जानकारी। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिसे डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है वह सूचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में, डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो
अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों दिया है एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंटर, जिसमें से ये चारों के चारों सॉफ्टवेयर हैं। इसका एक और ऑप्शन है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा D कंट्रोल यूनिट, जो कि एक सॉफ्टवेयर नहीं है, वो हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? इसका ऑप्शन होगा D यानी कि हार्डवेयर। वे सभी साधन इंस्ट्रूमेंट जिसे हम छू कर यानी महसूस कर सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? इसका ऑप्शन होगा C LAN, LAN। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग में नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, यानी कि किस हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है? इसका ऑप्शन होगा A यानी कि कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन होगा C यानी कि सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा को प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयरों का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन होगा B कंप्यूटर प्रोग्राम्स। दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या करें, कैसे करें, कब करें। ये सभी जानकारी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज से इंगित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। इसका ऑप्शन होगा D स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डाटा के निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी CPU करता है। CPU को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, स्टोर यूनिट अथवा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का यह आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है B यानी कि LNM टूरिंग ने। इसका ऑप्शन क्या है? B LNM टूरिंग। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार LNM टूरिंग ने किया था, जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार एवं एमिली बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है। इसका ऑप्शन होगा B एनालिटिकल इंजन। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज ने वर्ष 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बैबेज ने एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था तथा मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं कर
सकता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। इसका ऑप्शन है सी, यानी कि चार्ल्स बैबेज द्वारा। पहला कंप्यूटर बनाने का श्रेय चार्ल्स बैबेज को दिया जाता है। कंप्यूटर के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बैबेज द्वारा सूचनाओं के प्रसंस्करण के उद्देश्य से एक यंत्र के निर्माण के रूप में किया गया। यह अंततः साधारण प्रकार का यंत्र था जिसे मुख्यतः तीन भाग, संग्रह, मील, कंट्रोलर के रूप में किया गया था। बैबेज का यह यंत्र कंप्यूटर तो नहीं था, पर उसमें कंप्यूटर निर्माण की दिशा के नए मार्ग प्रशस्त कर दिए। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि वोल्वो। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कैलकुलेटर पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था जिसमें 17,468 वॉल्व लगे थे। यह अंकों का भंडारण करने के लिए 10 स्थितीय रिंग गणक का प्रयोग करता है तथा अंक 36 निर्वात ट्यूबों का इस्तेमाल करता है जिनमें 10,000 दोहरे ट्रायड होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। तो इसका ऑप्शन होगा सी, यूनिवैक। ठीक है, यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर का विकास वर्ष 1954 में जनरल पावर कॉरपोरेशन यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन होगा डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। भारत में सर्वप्रथम 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई। इसी समय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भी एक एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया। वास्तव में कंप्यूटर युग की वास्तविक शुरुआत 1955 में हुई जब भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M के नाम से स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया। इसका ऑप्शन है ए, यानी कि चेन्नई। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि कंप्यूटर के दूसरे पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है जो अर्धचालक पदार्थ यानी जैसे कि सिलिकॉन हो गया, आपका जर्मेनियम हो गया, इन तत्वों से बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका निम्न के प्रयोगों से। इसका ऑप्शन होगा बी, समकलित परिपथ चिप्स की वजह से। समकलित परिपथ चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट क्रॉप्स के प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र आदि लगाए जा सकते हैं। तीसरी पीढ़ी से पूर्व के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था जिस कारण इसका आकार बड़ा होता था जबकि इसकी कार्य क्षमता कम होती थी। संगणकों के IC चिप्स प्रायः बने होते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी, सिलिकॉन के। संगणकों के IC चिप्स प्रायः सिलिकॉन के बने होते हैं। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम पर बना संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है। इसका कंप्यूटर उपयोग कंप्यूटरों, रेडियो, टेलीविजन तथा अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। IC चिप्स के कारण ही कंप्यूटरों का लघु रूप संभव हो पाया। अगला प्रश्न देखते हैं, IC के वर्गीकरण का आधार है। इसका ऑप्शन होगा ए, ट्रांजिस्टरों की संख्या पर।
कंप्यूटर आईसी की कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रमुख होती है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। अगर वर्गीकरण एसएसआई यानी कि अगर एसएसआई है तो वो 100 से कम होती है, ठीक है। 100 से कम मतलब कि ट्रांजिस्टरों की संख्या 100 से कम होती है। वहीं अगर एमएसआई होता है तो ट्रांजिस्टरों की संख्या 100 से 1000 होती है। एलएसआई होता है तो 1000 से 1 लाख तक होती है। वीएलएसआई होता है तो 1 लाख से अधिक होती है, तथा यूएलएसआई जो सबसे अधिक होता है वो 1 मिलियन से भी अधिक होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं, इसका ऑप्शन होगा डी, बहुत से इनपुट डिवाइसेस। किसी दी गई कंप्यूटर प्रणाली में बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं। जो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस एक प्रकार की विद्युत यांत्रिक युक्ति है, जो डाटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक, फ्लॉपी ड्राइव, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, प्रकाशीय पेन इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन है बी यानी कि इनपुट डिवाइस का। इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइस माउस या कीबोर्ड द्वारा टूल में क्लिक करके या कीबोर्ड द्वारा कमांड देकर कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था, इसका ऑप्शन होगा ए यानी कि पहली पीढ़ी में ही वैक्यूम ट्यूब के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था। हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को कई पीढ़ियों में बांटा जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल लगभग 1942 से 1955 तक माना जाता है। निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता थी। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग, पंच कार्ड का प्रयोग तथा बड़ा आकार इस पीढ़ी के कंप्यूटर की अन्य विशेषताएँ थी, ठीक है। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं ENIAC, UNIVAC तथा IBM इत्यादि। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।